बसमिल्लानरिम आवर टुडेज़ टॉपिक इस मॉलिक्युलर ऑर्बिटल थ्योरी मॉलिक्युलर ऑर्बिटल थ्योरी में हमारे पास क्या है कि अगर हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को देखते हैं तो वहाँ पे हमारे पास क्या आते हैं कि मैक्मम ओवर होती है सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स बनते हैं ठीक है लेकिन आपके पास कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें और इलेक्ट्रॉन्स हो तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी उसको एक्सप्लेन नहीं करते मतलब आपके पास इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें मौजूद ना हो दूसरी बात यह है कि आपके पास वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को भी शो एक्सप्लेन नहीं करते सो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी ने बहुत क्लियरली किया था मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में हमारे पास क्या होती है कि मिक्सिंग अप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ़ द डिफरेंट एनर्जी टू गिव अ सेम नंबर ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल मतलब जब मोलिक्यूल बनता है तो उसमें आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल की मिक्सिंग होती है जिनकी एनर्जी आपके पास डिफरेंट होगी और जितने नंबर ऑफ़ एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हुए होंगे उतने ही नंबर में आपके पास मोलिकुलर और बेटाल बनेंगे बट देट मोलिकुलर और बेटाल्स आर स्प्लिट अप टू टू टाइप्स जिनको हम टू टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं वन इज़ बॉन्डिंग मोलिकुलर और बैटाल द अदर इज़ एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर और ये दोनों आपके पास मोलिक्यूल के अंदर मौजूद होते हैं और एनर्जी के लिहाज से जब हम इनको देखते हैं तो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल की एनर्जी लो होती है एज़ कम्पेयर टू एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल की सो so, इसको रिप्रेजेंट रिप्रेजेंटेशन के लिए हम क्या करते हैं कि uh, दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सअप करके उनकी कुछ uh, और हाफ जो है वो बॉन्डिंग में जाते हैं एंड हाफ़ एंटी बॉन्डिंग में जाते हैं पॉस्टिट्स आपके पास क्या है कि ल मोलिकुलर ऑर्बिटॉल है डेफिनेट इनर्जी विच आर अरेंज इन द फॉलविंग ऑर्डर आपने इस सीरीज को याद रखना है कि जब भी मोलिक्यूल बनेगा तो उसके ऑर्बिटाल इस सीरीज में अरेंज होंगे फर्स्ट आपके पास फर्स्ट शेल के मोलिकुलर ऑर्बिटाल देट इज़ स्प्लेटअप इंटू टू टाइप्स वन इज नोन एज अ सिग्मा वन एस एंड द एंटी बॉन्डिंग इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा स्टार ठीक है क्या आपके पास जो एंटी बॉन्डिंग में ऑर्बिटल होगा वो सिग्मा स्टार से रिप्रेजेंट करेंगे सो so, सबसे पहले एनर्जी सबसे कम किसकी होती है वो सिग्मा वन एस की होती है उससे फिर सिग्मा स्टार वन एस की एनर्जी हो जाती है फिर हमारे पास सिग्मा टू एस की एनर्जी इससे कम होती है इस और इससे ज़्यादा होती है लेकिन सिग्मा स्टार टू से कम होती है फिर सिग्मा टू पी एक्स आपके पास क्या करते हैं इसकी एनर्जी होती है फिर इसके बाद पाई टू पी वाई एंड पाई टू पी जेड की एनर्जी इक्विवेलेंट होती है ये सारी एनर्जीज अरेंजमेंट हमें स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस से पता चली कि जब हमने मॉलिक्यूल को स्पेक्ट्रोस्कोपिकली ऑब्जर्व किया तो आपके पास ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इस एनर्जी फॉर्म में अरेंज थे, ठीक है फिर बॉन्डिंग में पाई uh, स्टार टू पी वाई की एनर्जी बराबर होती है पाई स्टार टू पी जेड की और उसकी एनर्जी कम होती है किससे सिग्मा स्टार टू पी एक्स से सॉरी यहाँ पे एक्स है सिग्मा स्टार टू पी एक्स से उसकी एनर्जी आपके पास क्या होती है कम होती है तो सबसे हायर एनर्जी सिग्मा स्टार टू पी वाई की होती है फिर इन्हीं मोलिकुलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हु रूल एंड आफ प्रिंसिपल की थ्रू करते हैं अब देखें अरेंजमेंट ऑफ अरेंजमेंट ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल आपके पास ये सीरीज आ गई है ठीक है सो आफ बा प्रिंसिपल क्या कहते हैं कि पहले लोअर एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी उसके बाद हम हायर एनर्जी लेवल पे जाएंगे ठीक है सो हमारे पास क्या होंगी कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग अकॉर्डिंग टू द बिल्डिंग ब्लॉक प्रिंसिपल एड होगी फिर रूल कहते हैं कि जब तक आ, पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑक्योपाइड होगा विद द सेम स्पिन इन ऑल मोलिकुलर ऑर्बिटल या पेराटामिक ऑर्बिटल तो यहाँ पे भी वही होगा कि पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल होगा वाली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल कहते हैं कि अगर आपके पास डी जनरेट और अवेलेबल हो सो द इलेक्ट्रॉन विल बी फर्स्ट फील्ड सिंगली एंड देन पेयरिंग विल बी अकर सो ये तीनों रूल्स हम इन इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे अप्लाई करेंगे फिर इसकी सिग्मा एंड पाई नोटेशन बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की थी लेकिन इसमें बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल को हम सिग्मा एंड पाई से रिप्रेजेंट करते हैं वायल एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल को हम सिग्मा स्टार एंड पाई स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं और फोर्थ पॉइंट आपके पास क्या है कि द नंबर ऑफ बॉन्ड्स जिनको हम कहते हैं बॉन्ड ऑर्डर विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय टू अगर आपके पास इससे वैल्यू ज़ीरो आ गई तो वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा वो उसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड है वो कोई भी बॉन्ड नहीं बनाएगा वो इंडिपेंडेंट फॉर्म में रहेगा अगर आपके पास बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू वन आ गई तो मॉलिक्यूल पॉसिबल है और सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा फिर अगर आपके पास दो बॉन्ड टू बॉन्ड ऑर्डर आ गया सो मोलिक्यूल इज़ अगेन पॉसिबल एंड डबल बॉन्ड बनाएंगे सेम मॉलिक्यूल या फिर थ्री आ गया तो मोलिक्यूल उसका भी पॉसिबल होगा और वो ट्रिपल बॉन्ड बनाएँगे अब हम क्या करते हैं आपके पास देखें एटामिक औरबिटाल की मिक्सिंग किस तरह होती है एक एटम का एक एटामिक औरबिटाल और दूसरे एटम का एटामिक औरबिटाल मिक्सअप हो जाती है जिससे मोलिकुलर ऑर्बिटाल कितने बनेंगे एक और दो दो मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे लेकिन वो दो एक लोअर एनर्जी का होगा और एक हायर एनर्जी का होगा सो द एनर्जी इज़ इंक्रीज इन दिस ऑर्डर जब हम वाई एक्स की डायरेक्शन में जाते हैं तो हमारे पास एनर्जी इंक्रीज होती है और इसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम सिग्मा स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं अब हम इसको अप्लाई करते हैं ऑन डिफरेंट मॉलिक्यूल सबसे पहले हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल पे अप्लाई करते हैं हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर वन है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वन एस वन है सो वन एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ वन हाइड्रोजन एटम विल बी मिक्स्ड विद द वन ऑर्बिटल ऑफ द सेकेंड हाइड्रोजन एटम, सो वी आर गेटिंग द टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स सो द टू मोलिक्युलर ऑर्बिटाल हमने अभी पढ़ा कि वो री हो जाते हैं इन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटाल एंड एंटी बॉन्डिंग मालिकुलर ऑर्बिटाल सो रिएक्शन्स के थ्रू अगर हम लिखना चाहते हैं सो टू हाइड्रोजन एटम जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये है रिएक्ट करते हैं सो so आपके पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आएगा और इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होंगे सिग्मा वन एस टू एंड सिग्मा स्टार वन एस ज़ीरो कैसे देखे एक एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल जब मिक्सअप हो जाते हैं सो इससे बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल का आ जाएगा एक एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल आएगा अब हमने आफबा प्रिंसिपल से पढ़ा था कि आपके पास क्या है सबसे पहले लोअर एनर्जी लेवल का औरबिटाल फिलअप होगा सो लोअर एनर्जी लेवल का ऑर्बिटल ये है ठीक है सो एक इलेक्ट्रॉन एक एटम से आके इसको फिल कर लेगा अब हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन तो रहता है दूसरे एटम के पास सो डी जेनेनरेट और बिटाल भी हमारे पास प्रेजेंट है सो so, होंड रूल एंड पॉल एक्सक्लूजन के थ्रू हम कहते हैं कि पेरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होगी एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अप हो जाएंगे क्योंकि डी ऑर्बिटल अवेलेबल है सो so, दोनों इलेक्ट्रॉन नीचे आ गए हैं बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में और एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटाल आपके पास क्या है ख़ाली रह गया है क्योंकि और इलेक्ट्रॉन हमारे पास मौजूद नहीं है सो द बॉन्ड ऑर्डर विल बी टू माइनस ज़ीरो डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू टू बाई टू एंड दैट इज इक्वल टू वन इसका मतलब है कि आपके पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल पॉसिबल है और वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है सो so, अब देखें जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमने लिखी सो मॉलिक्यूल की आपके पास क्या था सिग्मा वन एस एंड सिग्मा स्टार वन एस सो सिग्मा वन एस में दो इलेक्ट्रॉन आए थे हमने यहाँ पे लिख लिए थे लेकिन सिग्मा स्टार में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं गया था इसलिए आपके पास सिग्मा स्टार में जीरो इलेक्ट्रॉन है अब हम हीलियम मॉलिक्यूल को देखते हैं सो हीलियम मॉलिक्यूल में आपके पास क्या है हीलियम का एटॉमिक नंबर टू है और इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन वन एज टू है सो टू ऑर्बिटल ऑफ टू हीलियम एटम्स विल बी मिक्स टू गिव अस टू मोलिक्युलर ऑर्बिटल एंड द टू मोलिक्युलर ऑर्बिटल आर रीअरेंज इन बॉन्डिंग मोलिक्युलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल हम रिएक्शन्स लिख लेते हैं सो टू हीलियम विद वन एस टू इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रिएक्ट टू प्रोड्यूस हीलियम मॉलिक्यूल सो वी विल गेट सिग्मा वन एस टू एंड सिग्मा स्टार वन एस टू इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अब आपके पास क्या था कि ये एक एटम के दो इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के दो इलेक्ट्रॉन जब ये दोनों एटॉमिक और्ब, ऑर्बिटल मिक्स हुए तो हमारे पास दो मोलिकुलर ऑर्बिटल मिले जिनमें एक बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल था एक एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल था ठीक है अब क्या है कि पहले एक इलेक्ट्रॉन इससे आके लोअर एनर्जी लेवल को फिल करेगा अकॉर्डिंग टू द ऑफ प्रिंसिपल एक इलेक्ट्रॉन आ गया सो अभी भी आपके पास तीन इलेक्ट्रॉन है सो दूसरे एटम के ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन आके इस डी जनरेट को फिल कर लेगा अकॉर्डिंग टू द पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल दोनों इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन में यहाँ पे फिल हो जाएंगे, अब और तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है कि कोई इलेक्ट्रॉन आ जाए सो so, ये क्या करेंगे द नेक्स्ट टू इलेक्ट्रॉन विल बी मूव टूवर्ड द एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। और इस तरह आपके पास क्या हो जाएंगे कि दो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर में आएंगे दो एंटी बॉन्डिंग में आएंगे, सो so, हमारे पास क्या होगा टू माइनस टू डिवाइडेड बाई टू टू ज़ीरो टू टू ज़ीरो दैट इज़ द बॉन्ड ऑर्डर सो यहाँ पे हमारे पास ज़ीरो है तो हम कहते हैं कि हीलियम मॉलिक्यूल इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज दे आर बॉन्ड ऑर्डर इज ज़ीरो एंड इट कंटेन इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसलिए आपके पास हीलियम मॉलिक्यूल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता और इसकी वैलेंसी भी सेटिस्फाइड है यहाँ पे आप देखिए कि सिग्मा टू सिगमा वन एस में दो इलेक्ट्रॉन है और सिग्मा स्टार वन एस में भी दो इलेक्ट्रॉन है सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें सिग्मा वन एस में भी दो इलेक्ट्रॉन और सिग्मा स्टार वन एस में भी दो इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। फिर हम बात करते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की सो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का एटॉमिक नंबर एट है और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वन एस टू टू एस टू टू पी एक्स टू पी वाई टू पी जेड जिसमें एक्स के पास टू इलेक्ट्रॉन पी के पास वाई के पास वन इलेक्ट्रॉन एंड जेड के पास वन इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास चार ऑर्बिटल है किस चीज़ में ऑक्सीजन में सो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अगर हम बनाना चाहेंगे तो एक एटम के चार एटॉमिक ऑर्बिटल और, और दूसरे एटम के चार एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो क्या हो जाएंगे मिक्सअप हो जाएंगे एट मॉलिक्यूलर बिटाल दे देंगे उन एट में चार बॉन्डिंग मोलिकुलर और होंगे चार एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर और बेटाल होंगे सो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या आएगी टू ऑक्सीजन एटम जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये थी इंटरमिक्स हो के वन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल देंगे सो so, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी सिग्मा टू एस स्क्वायर सिग्मा स्टार टू एस स्क्वायर होगी फिर सिग्मा टू पी एक्स स्क्वायर पाई टू पी वाई स्क्वायर देट इज़ इक्वल टू पाई टू पी जेड स्क्वायर इज लेस देन पाई स्टार टू पी वाई वन इज इक्वल टू पाई स्टार टू पी जेड वन के ठीक है सो अगर हम इनकी एटॉमिक ऑर्बिटल या मोलिकुलर ऑर्बिटल कन्फिग्रेशन लिखना चाहते हैं सो so सबसे पहले हम एस ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी कम होती है उसके एटॉमिक एंड और मोलिकुलर ऑर्बिटल लिखेंगे फिर उसके बाद ऊपर पेज पे हम उसकी पी ऑर्बिटल की क्योंकि पी की इनर्जी हमारे पास हाई होती है सो so, हमारे पास क्या है ये एक ऑक्सीजन का एस ऑर्बिटल, ये दूसरे ऑक्सीजन का एस ऑर्बिटल, दोनों इंटरमिक्स हो जाते हैं तो so, हमारे पास बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में सिग्मा टू एक्स और एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में सिग्मा स्टार टू आएंगे अब देखें कि एक के पास भी क्या है एक एटम के पास भी दो इलेक्ट्रॉन दूसरे के पास भी दो इलेक्ट्रॉन है सो टोटल हमारे पास एस ऑर्बिटल में चार इलेक्ट्रॉन मौजूद है सो ऑफ पा प्रिंसिपल में हम क्या कहते हैं कि पहले लोअर इनर्जी का ऑर्बिटल फिल होगा हाइयर एनर्जी का सो so, हमारे पास क्या है एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगी दूसरा इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे आ जाएगा इसकी फीलिंग हो गई बट अभी और कोई भी इस तरह डी जेनरेट लोअर एनर्जी का ऑर्बिटल मौजूद नहीं है सो द रिमेनिंग टू इलेक्ट्रॉन विल बी मूव टू वर्ड एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, सो दो इलेक्ट्रॉन सिगमा टू एस में आ गए जो हमने यहाँ पे लिख लिए और दो दो इलेक्ट्रॉन सिग्मा स्टार टू एस में आ गए जो हमने यहाँ पे लिख लिए अब क्या है पी ऑर्बिटल में हम देखे सो <स्थाथ> so, पी एक्स पी वाई पी जेड एक एटम का पी एक्स पी वाई पी जेड दूसरे एटम का जब स्प्लिट एक दूसरे के साथ रिएक्शन कर लेते हैं तो तीन ये हो गई तीन ये हो गए सो इसकी वजह से तीन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटाल में आएंगी तीन एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटाल बना लेंगे ठीक है जिन में पी एक्स की एनर्जी लोअर होती है देन पी वाई एन पी जेड की और पी वाई पी जेड की एनर्जी हमारे पास इक्विवेलेंट होती है ठीक है फिर एंटी बॉन्डिंग में पी वाई पी जेड की एनर्जी लोअर होती है देन पी एक्स की सो so, आपके पास इसकी अरेंजमेंट यू हो जाती है आप देखें चार इलेक्ट्रॉन इसमें भी है चार इलेक्ट्रॉन इसमें भी है ठीक है सो पहले क्या होगा सबसे लोअर एनर्जी लेवल का मालिकुलर ऑर्बिटल फिल होगा सो so, आप पास क्या होंगे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ जाएगा एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ जाएगा फिलिंग हो गई कितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास रह गए छः इलेक्ट्रॉन रह गए सो अब क्या होगा हायर एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल की फिलिंग होगी सो हमारे पास चार इलेक्ट्रॉन्स हायर टू पाई टू पी वाई एंड पाई टू पी जेड में फ़िल हो जाएंगे क्योंकि इनकी एनर्जी क्या है इक्वल है ना इसको हम डी जेनरेट कहते कहते सो so, चार इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल हो गए अभी भी दो इलेक्ट्रॉन रहते हैं सो so, वो कहाँ चले जाएंगे एक पाई स्टार टू पी वाई में चला जाएगा और पाई स्टार टू पी जेड की एनर्जी इसके बराबर है तो पेरिंग नहीं होगी बल्कि सिंगल इलेक्ट्रॉन की ऑक्योपेशन हो जाएगी सो so, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या आ जाएंगे फिल हो जाएंगे ईच एटम्स ऑक्सीजन एटम कैन शेयर सिक्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बिल्कुल हर एक ने सिक्स ये देखे दो और चार हमारे पास छः एक ने शेयर कर लिए और छः दूसरे ने शेयर कर ली तो टोटल एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए दो ऑक्सीजन एटम सिक्स ट्वेल्व इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं अब देखे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अगर हम देखें सो तो बॉन्ड ऑर्डर अगर हम देखना चाहते हैं सो तो आप पास क्या है बॉन्डिंग में दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है छः इलेक्ट्रॉन आपके पास यहाँ पे है ठीक है सो कितने टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए एट इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे पास एट आ गए एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं दो ये हो गए और दो ये हो गए टोटल चार हमारे पास इलेक्ट्रॉन है तो फोर एट माइनस फोर इज़ इक्ल टू फोर बाई टू दैट इज़ इक्वल टू टू सो ऑक्सीजन आपके पास मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और वो क्या बनाते हैं डबल बॉन्ड बनाते हैं यू, ठीक है सो बॉन्ड ऑर्डर इसका क्या हुआ टू हुआ एक और बात हमें यहाँ से पता चली है और वो क्या है कि ऑक्सीजन इज़ पैरा मैग्नेटिक इन नेचर पैरा मैग्नेटिक क्यों है देखे जब भी इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिटल में पैर की फॉर्म में मौजूद होते हैं सो ये इसकी स्पिनिंग आपके पास ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉन भी आपके पास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर लेता है दूसरा भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर लेता है एज अ होल इनके दरमियान में क्या हो जाता है कि कंबाइनली एक छोटी सी मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट हो जाती है ठीक है जब हम इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं सो आपके पास क्या होगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल कर लेता है ठीक है क्यों क्योंकि ये ख़ुद एक मैग्नेट के तौर पे एक्ट करता है लेकिन ऑक्सीजन मौ, मॉलिक्यूल में हमारे पास एंटी बॉन्डिंग बेटाल्स में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स है सो so, ये सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन अपने इर्द गिर्द अगर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट भी करते हैं तो वो एक ही डायरेक्शन में होती है ठीक है जब हम इसको मैग्नेटिक फील्ड में रख लेते हैं तो ये अपने आप अपने मैग्नेटिक फील्ड को अलाइन कर लेते हैं विद एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के, सही है सो so, इस तरह ये क्या हो जाते हैं कि आपके पास मैगनेटिक्फेक्ट शो करते हैं विद एक्सटर्नल मैग्नेटिक फ़ील्ड और इसलिए हम इसको कहते हैं पैरा मैग्नेटिक कंपाउंड। सो आपके पास जिस भी मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन अनपेर्ड में मौजूद होंगे सो दैट मॉलिक्यूल विल शो अ पैरा बिहेवियर बिकॉज दैट इलेक्ट्रॉन अलाइन इट सेल्फ विद द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड इट इज अज अ मैग्नेटिक बिहेवियर ठीक है सो आपके पास क्या हो जाएगा ये पैरामैग्नेटिक इन नेचर हो जाएंगे एंड इट इज़ ऑल अबाउट द मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी